इस फिल्म में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, हम सिर्फ एक दो लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करें। व्हाई इज दिस कि आप ऐसा मतलब जिंदगी में नहीं क्यों आप मतलब फिल्म बना देते हैं? लोग अपनी जिंदगी में फिल्में बनाने के लिए अलग से कुछ एफर्ट डालते हैं, आप जिंदगी में ही फिल्में निकाल लाते हैं। हाँ नहीं, फिर मैं बहुत लेजी हूँ। अच्छा तो आपको क्वेश्चन कहते हैं, सॉरी मैं मार्केटिंग के लिए एकदम वर्स पर्सन, क्योंकि मैं अपनी फिल्म के बारे में बुरी चीजें बोल रहा हूँ। दो लोग इस फिल्म में टाइम स्पेंड करें और कुछ नहीं हो रहा है, 15 मार्च को आइएगा, अपने पैसे खर्च कीजिएगा। और दो लोग, आई थिंक इट्स अ स्मार्ट वे टू मार्केट योर फिल्म। ये ऐसे कोई नहीं कर रहा है सर। अच्छा, ये तो कोई नहीं कर रहा है। अच्छा नहीं, जरूर आइएगा, दो लोग इस फिल्म में, पूरी फिल्म में, दो घंटे की फिल्म में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे। बट सर, आप जो देखने आएंगे फिल्म वो भी समय बिता सकेंगे ना उधर, मतलब इतना गुड फन। मुझे दिल्ली की लड़की है, ये गलत है यार, दिल्ली वाले कभी जेब काटते ही नहीं, वो आपका काटते हैं। आप सामने से कटवा लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा दिल्ली वाले काट के चले गए। बट सानिया ने हमसे पुलकित हो गई। बट सानिया ने हमसे लास्ट टाइम वादा किया था कि वो हमें यारी रोड के छोले भटूरे खिलाएंगे, और वो बार बार ये बात, अरे दुकान बंद हो गई है बे, मैं नहीं हुई क्या क्या देखो नहीं हुई क्या नहीं कब होगा वो वादा, ये झूठ है, नहीं हो सकता ऐसे सच्ची। हाँ मैं गया था, जीपीएस जो आपने लोकेशन भेजी थी मुझे उसी पे गया, उन्होंने छोले भटूरे रखना बंद कर दिया। ऐसे कैसे रखना बंद कर दिया? मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत दुकान में तो नहीं चला। चलो यार हमें जाना पड़ेगा। तो क्या हम छोले भटूरे आपके साथ खा सकते हैं? इट्स अ वेरी रोमांटिक वे टू आस्क, क्या आप और मैं छोले भटूरे साथ खाने चल सकते हैं? प्लीज चलते हैं। बट दिस 17th, ठीक है ठीक है, 17th को ये रेडियो पे उन्होंने बोल दिया। बट दिस फिल्म में, सो व्हाट वाज योर आईडिया बिहाइंड दिस फिल्म? में जब नवाज भाई और इनका कॉम्बिनेशन बड़ा यूनिक लगता है देखने में स्क्रीन पे, इट्स वेरी फ्रेश। सो वाज यू वांटेड टू वर देयर फर्स्ट चॉइसेस कि यू टंबल्ड अपॉन देम? सर आई वाज वेरी लकी टू फाइंड देम। नवाज एक्चुअली यूपी के एक छोटे गांव से है, जैसे कैरेक्टर है उस गांव से। नवाज इज प्लेइंग हिमसेल्फ इन द मूवी, आई फील जैसे नवाज का एक्चुअल लाइफ में कैरेक्टर है। तो जैसे दूसरी पिक्चर में गाली गलौज करते हैं, मार धार करते हैं, तो फिर यूपी से कैसे हैं? मतलब फिल्म में यूपी से वही यूपी से मिसफिट थे, इसीलिए उनको निकाल दिया यूपी से। वहाँ उनका अच्छी पोजीशन नहीं थी, उनको वहाँ से इसलिए निकाल दिया। गालियों के मार्केट में उनका रेपुटेशन खराब था। वहाँ नवाज भाई यूपी में रोज मार खाते थे, इसलिए बम्बई आ गए। ठीक है, उनका नाम होने का फायदा उठाया जाता। तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा सवाल ये था, तो ये जो नवाज इज प्लेइंग हिमसेल्फ इन द मूवी, जो जैसे जिंदगी में है वो वैसे ही अपने आप को प्ले कर रहा है, तो दिस कैरेक्टर फिट्स इन परफेक्टली वेल। आल्सो सानिया, मैंने उन्हें एक दंगल में देखा था, एंड देन दुनिया ने उनको दंगल, हां पूरी दुनिया ने उन्हें देखा। चाइना वाले तो कितनी बार देख चुके पता नहीं इनको, रोज सुबह उठ के देखते हैं जितनी आंखें खुल जाए उतनी में देख लेते। सो आपने जब इनको देखा तो क्या लगा आपको? क्या आपका सवाल क्या था? गाना गाऊं मैं? नहीं, मैंने इनको देखा, फिर मैंने इन्हें स्क्रिप्ट भेजी थी मैम। हाँ वही गाना, और फिर मैम ने स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर मैम ऑडिशन पे भी आई थी, और मैम जैसा ऑडिशन किसी ने नहीं दिया। मैम का जो ऑडिशन होता है बहुत बढ़िया होता है। So she was a very, you know, she just fit into the part. And I think also the part became deeper, because ma'am ko dialogues ki zarurat nahi hai. To ek aur cheez hai is film mein ki agar aapko dekhna hai Sania Mirza to quiet silent, to aap zarur rahega 15th March ko, kyunki koi khas bolti nahi hai film mein. Achha, lekin bahut selling points hai film ke, do log aapas mein time spend kar rahe hain, ek kuch bolti nahi hai. बट ये कैरेक्टर यार प्ले करने में मतलब ऐसा, फिर उसके बाद डिटैच होने में भी टाइम लगा, बड़ा अलग सा कैरेक्टर स्क्रीन पे। झल्ली ऐसी, वो अपने घर वालों की बात भी नहीं सुन रही है या कुछ पटाखा वाला? नो, दिस वन पटाखा की थोड़ी प्रमोशन चल रही है। नहीं, वो कुछ पटाखा के बारे में, नो आई एम सेइंग कि आफ्टर डूइंग पटाखा
मतलब जैसा वो कैरेक्टर था, इतना लाउड बातचीत, राधिका कितनी पिटी है बेचारी उस चक्कर में, ठीक है. सो राधिका मुझे लगता है सेम टैंजेंट पे गई है जब वो अगली फिल्म में जो उसको मार दिया था उसमें एक्शन. कहने का मतलब ये कि यू हैड अ लाइक अ रियली डिफरेंट जॉनर एंड ऑल्टर स्पेस. मैंने पहले फोटोग्राफ की थी, उसके बाद बधाई हो और उसके बाद पटाखा की. ओ तो ऐसा मतलब मेरी सेकंड फिल्म थी दंगल के बाद. मैं आपको सिक्स इज फोटोग्राफ इतनी धीरे बोलती नहीं है, ये मुझे लगता है आपकी कंपनी की वजह से ऐसा है क्या. हां अब ये लग रहा है, ये है सानिया. हां अच्छा नहीं ये मेरा कैरेक्टर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मिलोनी बोल रही है. अच्छा. पर जब मेरे को ये पहले पता नहीं था कि मैं मिलोनी जैसी हूँ. okay. जब मैंने ये फिल्म स्टार्ट करी और हम शूट कर रहे थे, तब मुझे लगा कि काफी लोग मुझे बोलते थे कि तुम चुपचाप रहती हो, तू बात नहीं करती है. पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो बहुत बात करती हूँ, अपने दिमाग में करती थी, लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी. वो मुझे बाद में ये फिल्म करने के बाद पता चला. बट मैं काफी क्लोज हूँ उस कैरेक्टर से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी उस हद तक वैसी हूँ. तो सर का ब्रीफ क्या था, पहला ब्रीफ क्या था अबाउट दिस कैरेक्टर? काफी हमने वर्कशॉप्स करी गीतांजलि कुलकर्णी के साथ, वो राम प्यारी का रोल कर रहे हैं, और हम लोगों ने काफी आई थिंक और विजयराज भी है, विजयराज भी बहुत स्पेशल पार्ट में, बहुत बहुत स्पेशल. 15 मार्च को आएगा देखने दो लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं. दो लोग विजयराज और गीतांजलि कुलकर्णी. जिम सर. तो ये जो जो बड़ी प्यारी सी एक दो परिवार और एक दो डिफरेंट कल्चर को जोड़ने वाली जो कहानी है. सो जब आप नई नई बॉम्बे शिफ्ट हुए थे तो क्या आप भी उधर जाके वो वाली फोटो खिंचवाया था आपने? आपके पास फोटो? हाँ मेरे पास अभी भी है घर पे. मेरे दिल्ली से दोस्त आए थे तो मुझे लगा कि अभी कहाँ लेकर जाए, क्योंकि अब दिल्ली से दोस्त आते हैं ना, और जब आप बॉम्बे में नए होते हो मुझे समझ आया कि मैं क्यों नहीं जाती थी. अभी अकेले होते तो आपके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि 800 रुपए लगते हैं कैब का. हाँ, ऑब्वियसली साउथ जाने वाले लोग हैं तो कैब से ही जाएंगे. हाँ, वो तो है. हाँ, सर, वो भी एसी वाली. हाँ. सर ट्रेन में मैं पहली दिन चढ़ा था तो शर्ट पकड़ के एक आदमी लटक गया था, तो मैंने कहा मैं यहाँ काम करने आया हूँ, जान देने थोड़ी आया. मैंने कहा मैं ओला शेयर तो चलूंगा. क्या मेरे पास एक बहुत अच्छा ट्रिक है, हमेशा जब भी तुम ट्रेन में जाना तो ऐसा एक्ट करो कि पहली बार जा रहे हो तो लोग हेल्प करते हैं. अब तो आप नहीं कर सकती. नहीं मतलब मैं ऐसे ही करती थी जब मैं पहले ट्रेन में जाती थी. मुझे किसी ने आज तक हेल्प नहीं किया है ना, एक तुम क्योंकि एक्ट नहीं करते ना कि पहली बार जा रहे हो. और मेरी सूरत भी नहीं है ऐसी. सर लेकिन आई एम श्योर आप स्लो लोकल से ही चलते होंगे. इसके बाद कौन सा स्टेशन है, मुझे स्टेशन पे उतरना है, आप बता देंगे? कोई ना कोई बता ही देता था. चलो चलो मुझे एक बार मैंने विरार वाली लोकल पकड़ ली, अंधेरी में उतरने नहीं दे. तो विरार ही जाओगे तो हम वही आगे उतरो. मैंने कहा भाई प्लीज, फिर मैंने चलना छोड़ दिया. चले जाते हैं, गोविंदा बन जाते. गोविंदा भी विरार से आए थे. ऐसा है क्या? हाँ आपकी दूसरी फिल्म थी तो नवाज के टाइम प्रेशर अलग होगा क्योंकि रितेश तो चाहते भी नहीं थे कि हम शूट से पहले मिले. तो उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ एक रीडिंग करी थी कास्ट एंड क्रू, और उसके बाद उनके साथ कोई वर्कशॉप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हम सेट पे सीधा मिले. पर मैंने उनके बारे में सब पता कर लिया थ्रू इंटरनेट. पर मैंने सारे इंटरव्यूज देखे उनके बैठ के एक दिन. और इंटरनेट वैसे दिल्ली में भी है इंटरनेट. देखो यहाँ तीन दिल्ली वाले हैं, और कौन है और दिल्ली से? सारे इंटरव्यूज खंगाल लिए, सारी चीजें सब कुछ, ताकि मैं ये जान लूं कि वो कैसे अपने रोल के लिए प्रेप करते हैं. मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि मेरी दूसरी फिल्म थी और मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि मैं बेहोश ना हो जाऊंगी. बेसिकली तुमने अपनी लाइफ का दूसरा वाला फिल्म का पार्ट ही स्किप करके अपनी जिंदगी जी है. मतलब जब आप पहले भी इंटरव्यूज में आए तो आपने कभी बताया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म के लिए आप पहले नहीं बोल सकते थे. बट बधाई हो गई उसके बाद फिर और सारी फिल्में आ रही थी, तो ये वाला पार्ट स्किप रखना पड़ा. फोटोग्राफ कमिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम वेयर यू हैव डिलीवर्ड टू ब्यूटीफुल फिल्म, सक्सेसफुल फिल्म, इज अ प्लस प्लस राइट नाउ. इट इज एंड आई एम ग्लैड. इनफैक्ट मैं सीक्रेटली आई वाज विशिंग कि ये मेरी दो तीन फिल्में आ जाए तब आए, पता नहीं क्यों.
So do you like this idea of? No, it's a very nice idea. क्योंकि मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई तो. अरे ऐसा कुछ नहीं है. अरे बन गई. आप मुझे रिप्लाई करते हैं इसका ये मतलब थोड़ी है स्टार नहीं हो. आप सर हो. अरे आपके लिए काउच पे बोला गया है वो जो बड़ा वाला कॉफी विद काउच आता है उस पे बोला गया है कि एक रैपिड फायर में अंडररेटेड में तो आपका नाम लिया गया है तो बहुत कॉफी विद करण पे राजकुमार. तो कैसा लगता है अपने बारे में टीवी पे ऐसा सुनना फिर स्टार बन जाना. नहीं नहीं इट्स नाइस. इट्स वेरी नाइस टू बी अंडररेटेड. व्हाई डू यू फील दैट सर? इट्स टू बी अंडररेटेड. या इट्स वेरी नाइस बिकॉज़ इफ यू आर अंडररेटेड देन आफ्टर दैट यू कैन बिकम ओवररेटेड बट इफ यू आर ओवररेटेड देन यू कांट गो डाउन देन यू कांट बिकम अंडररेटेड आफ्टर दैट. ऐसे इतनी प्रोफाउंड डीप बातें कितना ज्ञान है. ऐसे ही थे मतलब दिल्ली वाले सुन लो. सर हमने क्या गलती कर दी बता दो. मैं आज ही अपना पोस्टल लेटर चेंज करने के लिए बोलता हूँ. मैं अपना बिलिंग एड्रेस चेंज कर लेता हूँ अपने फोन वाला. हमारा अभी भी दिल्ली है. अरे मजाक में बोला पंच वही तो मारने होते हैं जॉब है मेरी. ठीक है मारो मारो. नहीं बट सर कुछ ऐसा दिल्ली से आपको क्या हो गया मतलब आप दिल्ली से इतना नाराज क्यों? नहीं मैं नाराज मैं भी जानना चाहती हूं. दिल्ली का खाना बहुत पसंद है. बस चलिए कुछ तो बाकी हम सब चोर हैं. अपना वॉलेट चेक कर चेक करना पड़ता है कि कुछ. पर सर ऐसा आपके साथ ऑनेस्टली दिल्ली में दिल्ली से कुछ हुआ है ऐसा? नहीं कुछ भी नहीं हुआ है. कुछ नहीं सब इसी इमेज सुन गए. जैसे आपने यूपी की इमेज बना ली कि मैं मारदार बच्चा होता हूं. पर सर ऐसा नहीं है. मुझे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी जगह पे ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं. नहीं दिल्ली की लड़कियों से थोड़े एक्सपीरियंसेस हुए हैं. तो मैं रेडियो पे नहीं बता सकता. ओके फिर तो आपके साथ दिल ने खेल किया है. दिल्ली में नहीं दिल्ली में नहीं हमारी कोई गलती बट सारे यार ये फिल्म बड़ी अलग है बहुत ही. और इसमें पहली बात तो मतलब सब कुछ सिंपलिसिटी के साथ हो रहा है ऐसा. सो क्योंकि ये दौर कंटेंट का है क्योंकि आप अब इतने बड़े स्टार हो तो आपको लगता है कि यार अब तो जनता को ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा. लेकिन जनता देखने आएगी ये फिल्म 15 मार्च में नजदीक दूर की मिल जाएगी. और जितनी खुशी मुझे देखकर हुई थी फिर उनको भी उतनी खुशी हो. क्योंकि पहली बार जब मैंने फिल्म देखी यूजली मैं अपना काम देखती हूँ मैं इतनी खुश नहीं होती. मैंने देखा और मेरे को बहुत अच्छी लगी फिल्म. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. बट डोंट यू थिंक कि करियर के इस मुकाम पे आ करके चलो खैर ये तो पहले हो गई थी बट आप अभी रिस्क लेने को तैयार हो कि या फिर आप कमर्शियल सिनेमा की तरफ ज्यादा हो गया नहीं पहले नहीं, थोड़ा सा नहीं है. मतलब यार बहुत मिलोनी हो रही हो यार सानिया बन के बात करनी पड़ी. नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती. नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती बिल्कुल भी नहीं. अच्छा अब मैं मेरे को जो काम अच्छा लगता है और जो मुझे लगता है कि मैं मुझे एक्टिंग में ऐसा मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा किसी के साथ काम करके या वो रोल निभा के तो मैं वो करती हूँ. मैं ये नहीं सोचती कि कमर्शियल होगी या नहीं होगी कितने पैसे कमाएगी उससे मेरे को करना. बट अभी भी साउथ जाने का भाड़ा 800 रुपए ही है याद रखना. जिंदगी में जो कर अभी मैं फ्री में जाती शूट कर. But sir, what took you so long for from Lunchbox to coming this film? Were you as you said lazy? So deliberate था ये पूरा process कि you want to take some time after that. नहीं मैंने actually दो फिल्में बनाई थी बाहर. I made a movie called Our Souls at Night. It's on Netflix and it's a very nice film. आपने देखे नहीं कोई बात नहीं. हाँ सर बुरा नहीं मानूंगा. सर हम भी दिल्ली वाले बात कहाँ बुरा मान रहे हैं. बहुत कुछ सर मानने को बैठे तो यार दिल पे रोज लोग छील के जाते हैं. वो इंग्लिश मूवीज है ना तो शायद इसलिए दिल्ली वाले नहीं देखे. ओह गुड बात. अपने निकटतम और दूर वाले पे भी जाके देखेंगे लोग ये मैं बोलता हूँ. निकटतम मतलब पास के नजदीक. अच्छा आपने मुझे पुलकित कर दिया. सर मैं हर्षित करता हूँ. बट सानिया थैंक यू सो मच. एंसर थैंक यू सो मच. और आई विश ये सुपर डुपर हिट हो लोगों तक पहुंचे लोगों को मजा.